सो हे गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एंड गाइस, मेनली आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग। तो ये मेरे पास है K20 Pro। तो यार, मैं अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला, पहले से मैंने इसे अनबॉक्स कर रखा है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने अपना एक फ़ोन खरीदा है जो कि है गेमिंग फ़ोन, एंड उसी के बारे में आपको डिटेल थोड़ा रिव्यू देने वाला हूँ। और अगर आप भी बाइक करना चाहते हैं तो आप बाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स वो इंटरेस्टेड थे, वो जानना चाहते थे कि मैंने कौन सा फ़ोन बाइक किया है, और उन्हें भी फ़ोन बाइक करना था। तो मेरे से मतलब बहुत लोगों ने सजेशन भी ले रखा है वैसे व्हाट्सएप पे। एंड अगर आपने भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको किसी टाइप का सजेशन चाहिए तो देख सकते हैं मेरे पास है K20 Pro। अब बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। एंड यहाँ पे इसका जो प्राइसिंग की अगर बात करें, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं प्राइसिंग जानने में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं फीचर्स के अलावा। तो मैं आपको बता दूँ, जो इसका प्राइस है 30K रुपीज़ है, मतलब 30,000 रुपये हैं। एंड यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाती है, फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है आपको स्नैपड्रैगन मिलता है 855, और एंड्रीनो 640 पे ये वर्क करता है, मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड बाय द वे, इसके बात करूँ रैम की और इंटरनल स्टोरेज की, तो इसका जो वेरियंट है वो है 8GB रैम वाला एंड 256GB इंटरनल आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको कलर बता देता हूँ, कलर है यहाँ पे आपको रेड फ्लेम में मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि आपको बाकी जितने फ्लैगशिप मॉडल के फ़ोन होते हैं उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पे आप बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आप X3 भी ले सकते थे, जो आपका X3 अभी लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, जो उसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले मुझे बहुत बेकार लगी है, क्योंकि उसमें IPS पैनल आता है, और अगर आप एक गेमर हो तो आपको IPS के अलावा आपको चाहिए होता है AMOLED या फिर फुल AMOLED जो भी HD होती है वो सारी आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पे IPS पैनल आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया, तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को ही रिकमेंड किया अपने लिए, तो इसी फ़ोन को मैंने इसलिए बाय किया है। और अब मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे अनबॉक्स कर रखा है। और बाकी मैं आपको बता दूँ, जो सबसे पहला फ़ोन था यहाँ पे, पहले मैं ये वाला डिवाइस यूज़ करता था जो कि है मेरा Realme 3 फ़ोन। तो ये भी मैंने जब भी मतलब बाय किया था, जब ये लॉन्च हुआ था तो उस समय मैंने इसे खरीदा था, बट ये फ़ोन मेरे पास अभी नहीं है। और ये अभी जो करंटली जो डिवाइस यूज़ करता था इस फ़ोन से पहले, वो ये डिवाइस है जो कि है Mi A3। अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसी से कर रहा हूँ, और अभी मैंने लाइटिंग का सेटअप नहीं कर रखा, तो वीडियो थोड़ी डिम आएगी। बाय द वे, वैसे काम चला वीडियो बन जाती है। सो गाइस, देख सकते हैं यही वो फ़ोन है जो कि MI का है, K20 Pro 8GB वेरिएंट वाला। तो यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट सेट कर रखा है, तो देख सकते हैं आप स्पीड देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाती है आपको फिंगरप्रिंट के अंदर। और बाय द वे, जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा है, एंड जो इसकी लुकिंग है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड मैं आपको बैक पैनल है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एंड जो इसका पैनल देख सकते हैं आपको, जो बैक पैनल देखने को मिल जाता है बिल्कुल रेड फ्लेम रेड कलर है इसका, जो कि मतलब बहुत अच्छा लुक देता है। आप सब देख सकते हैं अभी इस पर लाइटिंग नहीं पड़ रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग में आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरे के साथ आता है सेटअप के साथ, और बाकी जो कैमरे हैं वो भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। और बाय द वे, यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो पॉपअप सेल्फी कैमरा है, और जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ऑसम है। और बाय द वे, इसके गेम प्ले की बात करें, अगर आप गेम प्ले करना चाहते हो इस फ़ोन के अंदर, रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, मेनली जो मैंने फ़ोन खरीदा है वो किया इस गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए और गेम प्लेस बनाने के लिए। तो आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, मैं एक गेमिंग चैनल ओपन कर रहा हूं, तो उसी के लिए मैंने इस फ़ोन को खरीदा है। एंड यहाँ पे जो इंटरनल जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, इसी से मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं अपने गेम प्लेस को। तो मतलब बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मैंने इसे रिकॉर्ड भी करके देखा है, तो बाय द वे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गेम प्लेस भी रिकॉर्ड किए थे, बाय द वे इसके अंदर होगा या नहीं होगा मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे है, ये रही, इसी से मैंने रिकॉर्ड करी थी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है इससे, और क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मतलब ये फ़ोन अगर आप गेमर हो तो आप ले सकते हो, और मतलब ये मैं सोचना मैं कॉम्पिटेटिव खेल सकता हूँ पबजी मोबाइल का, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा फ़ोन देखना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं आईफोन iOS वाले जो ले सकते हैं आप फ़ोन, और एंड्रॉयड तो आपको पता है भाई, कहीं ना कहीं तो धोखा दे ही जाता है, तो उसके लिए आप सजेस्ट नहीं करता। बाकी आप जो नॉर्मल गेमिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, उसके लिए आप इन फोन को सजेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड ऐसी रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल देन, गुड बाय।